मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी के प्रचार अभियान की कमान संभालेगी। वह इस सप्ताह के अंत में दिल्ली में एक रोड शो कर सकती है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि सीएम केजरीवाल की गैर हाजिरी में सुनीता केजरीवाल लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करेंगी। वो आम आदमी पार्टी की ओर से गुजरात के लिए जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। उधर दिल्ली एक्सरसाइज पॉलिसी केस में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी गई। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के जेल जाने की वजह से पार्टी का चुनाव प्रचार अभियान बहुत प्रभावित हुआ है। ऐसे में सुनीता केजरीवाल उनकी अनुपस्थिति में चुनाव प्रचार को गति देने के लिए खुद रोड शो करेंगी। ऐसी जानकारी मिल रही है कि सुनीता केजरीवाल दिल्ली की 4 लोकसभा सीटों पर रोड शो करेंगी। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी गई। पार्टी के एक सूत्र ने बताया है कि मुख्यमंत्री की पत्नी आने वाले वीकेंड में कोंडली विधानसभा सीट पर अपना पहला रोड शो करेंगी। यहां से मौजूदा विधायक कुलदीप कुमार पार्टी के टिकट पर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे। वहीं सुनीता दिल्ली में आपकी दावेदारी वाली अन्य 3 लोकसभा सीटों पर भी रोड शो कर सकती है। वहीं दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लोकसभा चुनाव लड़ रही आप ने पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और नई दिल्ली सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और चांदनी चौक सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। सूत्रों ने बताया है कि सुनीता गुजरात और पंजाब में भी आपके उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। उनका नाम गुजरात के लिए पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है। अब इस बात के कयास भी तेज हो चले हैं कि अरविंद केजरीवाल की गैर हाजिरी में सुनीता केजरीवाल दिल्ली के सीएम की गद्दी को संभाल सकती हैं। वैसे आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।